नमस्कार दोस्तों, आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि जोधपुर पूर्व का मैप बना दे, आप जोधपुर पश्चिम का मैप बनाइए। तो जोधपुर पश्चिम का मैप लेकर आ चुके इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए डिमांड किसकी थी, तो सभी की डिमांड थी, लेकिन खासकर कमेंट जो आया है नॉमिनेट होकर वो मिश्री खान का है। ठीक है, जिला है आपका जोधपुर पश्चिम, पूर्व का मैप बना लिया। अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, व्हाइट बोर्ड पर मैप बनाया है, वो बाद में आपको बताएंगे। पहले यहाँ से सीमा का निर्धारण कर लेते हैं क्या होगी, ठीक है, क्या हो सकती है एक्सपर्ट के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पाली की जोधपुर पश्चिम की तो सीमा लगेगी, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से एक बॉर्डर लगेगी पाली की, ठीक है। पाली का जो एरिया है, रानी वगैरह, रोहट, इनका जो एरिया है वो आपका, सॉरी, रोहट वगैरह का जो एरिया वो लगेगा, ठीक है। और यहाँ से बालोतरा, ठीक है, जालोर की नहीं लगेगी, बालोतरा, बालोतरा की आपकी सीमा लगेगी। उसके बाद में आपकी यहाँ से लगेगी जैसलमेर के साथ सीमा, ठीक है, जैसलमेर के साथ सीमा लगेगी। उसके बाद में आपके लगेगी नया जिला जो है फलौदी, उसके साथ, ठीक है। और आपकी इसमें अब तहसीलें कौन कौन सी होगी, तो सैरगढ़ तहसील है, लूणी है, जोधपुर खुद हो जाएगी एक, और एक आपकी है बालेसर, ठीक है। अब इसे मैप पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तो बालोतरा हो गया आपका, सबसे नीचे जैसलमेर है, फलौदी है, जोधपुर पूर्व, पाली, ये कुल मिला के 5 जिले सीमा टच कर रहे हैं। नीचे की तरफ लूणी तहसील है, जोधपुर पश्चिम है, बालेसर है और सैरगढ़ है, ठीक है। तो ये आपका